क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश तिवारी। तो महेश जी, क्या मामला है? मामला सर, 25 तारीख को जमीन को लेकर के चक्रोड को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जहाँ पे हमारे भाई को लोगों ने मार दिया था, जिसका सर फट गया था। और कंप्लेन लिखवाने के लिए जब थाने पर गया तो वहाँ पे हेमंत कुमार जी ने कोई कंप्लेन नहीं सुनी, जो यशो थे, और यशो की मौजूदगी में वहाँ पर मारपीट हुई थी। और बता रहे थे कि सत्ता पक्ष के लोग हैं, हम वहाँ पर मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरे दिन सुबह लालगंज में ही शायद हमारे भाई साहब से उन लोगों से मुलाकात हुई, जो कि वाद विवाद बढ़ने पर वहाँ पर मारपीट हुई। और वहाँ पे मारपीट होने के बाद हमारे भाई को मिर्ज़ापुर से गिरफ्तार किया गया। 48 घंटे तक उसको टार्चर करती रही और एक तरफा का पुलिस कार्रवाई करते हुए 307 धारा में, जो कि कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगाया गया है, 307 धारा में उसको संगीन अपराध में टार्चर करने के बाद उसको यहाँ पे पेशी की। और जो कि यह सारा जो माजरा है, यहाँ के जो स्थानीय मंत्री जी हैं रमाशंकर जी, किस तारीख को गिरफ्तारी हुई थी और किस तारीख को पेशी की? 26 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी, 28 तारीख को शाम को पेशी हुई है। और कल जो है कि लालगंज में मेडिकल कराने के बाद पुलिस ले जाकर के थाने में पुनः टार्चर की। इसके बाद आकर के शाम को यहाँ इस तरीके की प्रताड़ना हो गया और उसको टार्चर किया गया। और अब क्या बताएं, बड़ी शर्म वाली बात है सर, कि जो कि इस तरह से उसको मारा गया, जैसे कि स्वयं हेमंत कुमार जी से हमारी कोई जाति दुश्मनी रही हो। मंत्री जी पूरी पैरवी कर रहे हैं। 1.5 सालों से जब से वो मंत्री हैं, तब से हमारे गांव के जितने पटेल हैं जो हम लोगों के खिलाफ चल रहे हैं, वो टोटल मंत्री बनकर चल रहे हैं। आप गांव पता लगा सकते हैं, हम लोगों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। अभी कल हम लोग यहाँ बाहर थे, महिलाओं के साथ जाकर अभद्र व्यवहार किया गया हमारे घर पर। वहाँ पे यशो हेमंत कुमार बैठे हैं, उसके बावजूद भी पटेल के जो लौंडे हैं ये जाकर घर पर प्रहार कर रहे हैं। लालगंज के थाना अंतर्गत जनपद मिर्ज़ापुर में एक गांव में दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गई थी। क्या कहते हैं, चक्रोड को लेकर झगड़ा हुआ था और ये 26 तारीख घटना है। और उसके बाद दोबारा बाज़ार में कुछ मारपीट की बात बताई गई थी, उसी बात को लेकर के जो है, और उसमें दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज किए गए थे और कुछ लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई इसमें की भी गई है। बाकी उसमें कुछ जो सूचनाएँ हैं, जो वीडियो फुटेज वगैरह जो आप दिखा रहे थे और जो चीज़ें आ रही हैं अभी, उसके संबंध में अभी अपडेट जानकारी अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एसपी ऑपरेशन को और सीओ लालगंज को, दोनों को कहा है इसकी छानबीन कर लें। मौके पर पुलिस बल का जो भी कोई स्थिति न बिगड़ने पाए इसके लिए डिप्लॉयमेंट कर दें, तथा स्वयं मौके का परीक्षण निरीक्षण कर लें और तदनुसार विधिक कार्रवाई करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि कोई माहौल बिगड़ने ना पाए।